फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट लिमिटेड की। ट्राइडेंट लिमिटेड में आज भी 5% का सर्किट लग गया। अभी करीब 1:30 बजे के आसपास का टाइम है, 5% का अपर सर्किट लग चुका है। बहुत ही भारी वॉल्यूम के साथ में इसमें कामकाज हो रहा है और लोग इसमें खरीदारी करने के लिए दौड़ रहे हैं। कल भी 5% का सर्किट लगा था तो 2 दिन में 10% की तेजी बन गई। और मैंने पिछले काफ़ी दिन से आपको बोला था कि इसमें आप खरीदारी करके रखिए, ये जब दौड़ेगा तो ये लगातार दौड़ेगा, क्योंकि स्टॉक एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मजबूत है, कंपनी का कारोबार बहुत ही शानदार है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसके टेक्निकल लेवल को भी जानेंगे, साथ में इसकी फंडामेंटल को भी चेक करेंगे, कंपनी कितनी मजबूत है और इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को देखेंगे और कंपनी की परफॉर्मेंस को देखेंगे और कंपनी के कारोबार और इनके प्रमोटर की गतिविधियां, ट्राइडेंट लिमिटेड से रिलेटेड सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी और आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना मजबूत ये स्टॉक है और क्या इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है या फिर अभी हमें वेट करना चाहिए। जिस तरह से 2 दिन तेजी बनी, क्या फिर से गिरावट का माहौल बनेगा या फिर इस बार ये दौड़ेगा और कितनी जल्दी समय में ये हमें मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है, कितनी जल्दी ये 3 डिजिट में जा सकता है, क्या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने के लिए अच्छा स्टॉक है या फिर इसमें यह शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। एक समय का ये छोटा सा पेनी स्टॉक था जो काफ़ी अच्छा अभी बढ़ चुका है, तो सारी की सारी संभावना तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कारोबार की बात कर लेते हैं। आज स्टॉक ओपन हुआ 18 पर, हाई इसने 18.5 की बनाई और इसका लो है 17.75 का। 18.05 पर ये 5% सर्किट पर लॉक हो चुका है, लेकिन उसके पहले इसमें पिछले भाव से इसमें खरीदारी का मौका मिला था, लोगों ने अच्छी खासी वैल्यूबल बाइंग भी की है, पर उसके बाद में ये स्टॉक जाके लॉक हो चुका है 5% सर्किट पर और बहुत ही शानदार इसमें तेजी का माहौल बना हुआ है। फ्रेंड्स, सबसे शानदार बात यह है, अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 सप्ताह पहले 1 करोड़ का वॉल्यूम था और कल इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था। अभी 1 बजे 1:30 बजे के आसपास 1 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है और ऑलरेडी इसमें सर्किट लग गया है, तो उसकी वजह से वॉल्यूम में रुकावट हुई, वरना आज बहुत ही भारी वॉल्यूम में काम होता। और सबसे बड़ी बात, 5% के सर्किट में इसको बांध दिया गया है, वरना यहाँ पे तेजी का बहुत ज़्यादा माहौल बना, ये बहुत ही ज़्यादा आगे जा सकता है। स्टॉक 20 से पार जाने को बिल्कुल तैयार है, यहाँ से इसमें बड़ी तेजी बनेगी, स्टॉक आपको मल्टी बैगर होता वो दिखाई देगा। अगर इसके 52 वीक के लो की बात करें तो 5.90 का है, वहाँ से स्टॉक ने 19.30 का हाई बनाया और इस बार ये 52 वीक का नया हाई बनाने को तैयार हो चुका है। स्टॉक पिछले 1 साल में सर 205% का शानदार रिटर्न दिया है और 6.81% दूर है अपने 52 वीक से। पिछले 1 महीने में इसने 12.81% का रिटर्न दिया है और अभी स्टॉक ये दौड़ने के लिए तैयार है। 2 दिन से ही इसमें तेजी बनी है, काफ़ी समय से करेक्शन के दौर में था। सबसे बड़ी बात, अगर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बहुत ही शानदार बढ़ा दी है, 73.02% कर ली है। म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को अनचेंज रखा है, यानी 0.01% की होल्डिंग है उसको अनचेंज रखा है और FII ने जरूर इसमें होल्डिंग को बढ़ा दिया है। Q3 में इनकी होल्डिंग 1.61% थी, उसको बढ़ा के 1.68% कर लिया Q4 में और FII की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। 67 थे FII Q3 में, वो बढ़कर 73 हो गए Q4 में और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, 2.54% थी उसको बढ़ा के 2.61% कर लिया है, तो स्टॉक बहुत ही अच्छा है। हाँ, इसके ऊपर FII भी भरोसा कर रही है और हमारे इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है वो भी भरोसा करे। इसके पीछे वजह है इसका कारोबार, लगातार कारोबार में वृद्धि हो रही है, इनके सारे डाइवर्सिफाइड जितने भी बिजनेस है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, रिजल्ट भी बहुत ही शानदार है। एक बार Q4 के रिजल्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो 1990 बनी हुई है, मिड कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 9,198.20 करोड़ में आ चुका है, तो कंपनी अब मिड कैप सेक्टर में आ चुकी है और ये अभी इसको पेनी स्टॉक की श्रेणी में नहीं रख सकते हम स्टॉक को। इसका मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा बढ़ चुका है और कंपनी केमिकल का बिजनेस करती है, साथ में कंपनी का पेपर का बिजनेस है और सबसे मुख्य बिजनेस का टेक्सटाइल का बिजनेस है, इंडिया के अलावा एक्सपोर्ट का भी बिजनेस है, इंडिया में इनके लग्जरी शोरूम है। तो फ्रेंड्स, Q4 में कंपनी ने टोटल इनकम 1,347.15 करोड़ बताई है, जो 2.97% ज़्यादा है Q3 से। Q3 में इनकी टोटल इनकम 1,308.24 करोड़ थी, पिछले साल सेम क्वार्टर से 35.05% ज़्यादा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनकी टोटल इनकम 997.55 करोड़ थी और कंपनी ने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 76.45 करोड़ का बताया। तो कंपनी आप देख लो, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख लो या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लो, तो ग्रोथ में बहुत ही शानदार इनकी बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस दौरान कोरोना का कहर था उसके बावजूद भी कंपनी ने जो परफॉर्मेंस दिखाई है बहुत ही शानदार है। और इसकी अगर फाइनेंशियल स्टेटस की बात करें तो बहुत ही शानदार है, इसके जो परफॉर्मेंस दिखाई है FD से अच्छा इसने रिटर्न दिया है, बहुत ही शानदार, जो बैंक की FD मिलती है उससे बेस्ट इन्होंने रिटर्न दिया है, तो उस पैमाने पे ये खड़ा उतरता है स्टॉक। साथ में डिविडेंड रिटर्न दे रही है कंपनी,
लगातार डिविडेंड देने वाली कंपनी है, जो इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात, जो टेक्निकल लेवल बन रहे वो कह रहे हैं कि गुड टाइम टू कंसीडर एंड एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबोट जोन। तो टेक्निकल लेवल बता रहे कि यह टाइम है बिल्कुल इसमें एंट्री करने के लिए, क्योंकि स्टॉक फिलहाल ओवरबोट जोन में नहीं है और इसके ऊपर रेड फ्लैग भी नहीं लगा हुआ है। तो स्टॉक अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसके पी रेशियो 28.80 का है और इसके सेक्टर का पी -1404.22 है। और पीबी रेशियो की बात करें तो 2.90 है और इसके सेक्टर का पीबी 5.41 है। और डिविडेंड इसने दिया है 2.05%, जबकि इस सेक्टर के अंदर डिविडेंड 0.61% मिलता है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, इसके जो फंडामेंटल बहुत मजबूत है कंपनी के। और सबसे बड़ी बात, एनालिस्ट इसको सजेस्ट कर रहे हैं लेने के लिए, 100% बाय की कॉल दे रहे हैं। तो स्टॉक हर तरह से अच्छा लग रहा है, निवेश के लिए बहुत ही शानदार है, आने वाले समय में हमारे सारे सपने साकार कर सकता है। यह आने वाले समय का मल्टीबैगर स्टॉक है, अभी आप खरीद के रखिए, बहुत ही जल्दी ये बम्पर रिटर्न देगा। अगर आप इसके ऊपर 10 साल के लिए इस स्टॉक को होल्ड कर लेते हो तो डेफिनेटली फ्रेंड्स यह स्टॉक आपको 200 के प्लस जाता हुआ दिखाई देगा। तो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है स्टॉक है, 10 साल के लिए होल्ड कीजिए, 200 से ऊपर जाएगा स्टॉक। और अगर इसने अच्छी खासी तेजी बता दी तो ये 200 क्या 500 तक भी जा सकता है, परंतु ये ध्यान रखें 200 तक तो ये डेफिनेटली जाएगा। और अगर इसकी कारोबार में वृद्धि हो गई और परफॉर्मेंस में सुधार हुआ तो ये 500 तक भी जा सकता है। तो 200 से लेके 500 का इसका टारगेट आप मान के चलिए। तो एक बैंक में जब FD करते हो उसकी जगह पर इसमें कीजिए, यह आपको मालामाल कर देगा। इसके टेक्निकल लेवल बहुत ज़्यादा बुलिश बने हुए, अगर डेली लेवल पर चेक कर ले तो मूविंग एवरेज बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश बन रहे और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी बुलिश है। अगर वीकली लेवल पर चेक करें तो मूविंग एवरेज बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी बुलिश है। और मंथली लेवल पर जाकर देखें तो भी वहां पर भी मूविंग एवरेज बुलिश है, टेक्निकल इंडिकेटर भी बुलिश है और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी बुलिश है। इसका मतलब यह एक तरफा एक महीने तक तेजी के माहौल में चलेगा और वहां से इसने बहुत शानदार आपको रिटर्न दे सकता है। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें आप निवेश कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। फ्रेंड्स अगर इसके पीवट लेवल को चेक करें तो शॉर्ट टर्म में क्या इसकी कंडीशन रह सकती है, तो यहां से अगर स्टॉक गिरता है तो 15.53 का पहला सपोर्ट है, स्टॉक अगर उससे भी नीचे गिरेगा तो 14.72 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 13.73 का है। तो भयंकर अगर गिरावट होती है तो ये 13.73 तक जा सकता है। वैसे अब संभावना नहीं है कि स्टॉक में तेजी का माहौल बन चुका है, ये अब पॉजिटिव जोन में आ चुका है। तो यहाँ से दौड़ेगा तो फिर 17.33 का इसका फर्स्ट सपोर्ट है जो ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, सेकंड सपोर्ट 18.32 का है, वहाँ तक स्टॉक लगभग आ चुका है, कल आपको ये रेट देखने को मिलेगी। और 19.13 इसका थर्ड टारगेट है, तो बहुत जल्दी 19 तक जाएगा और इस बार ये नई हाई बनाएगा और जैसे ही 20 के पार होगा तो बहुत तेजी से दौड़ेगा। और इसके पीछे बहुत सारी वजह है, सबसे बड़ी वजह है कंपनी जो कारोबार करती है वो पूरी ईमानदारी से करती है, इसका मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है, कंपनी को लगातार अवार्ड भी मिल रहे हैं क्योंकि कंपनी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना कारोबार करती है। वो 5R पर काम करती है, यानी जो वाटर यूज करते हैं उसको भी वाटर ट्रीटमेंट के द्वारा जो यूज हो चुका है उसको फिर से रीयूज के लिए बनाते हैं, जो कंपनी से वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको भी वापस वो रीयूज करते हैं। और कंपनी ज़्यादा कम से कम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं जिससे वातावरण में प्रदूषण न फैले। तो कंपनी जिस तरह से काम कर रही है यह बहुत अच्छी कंपनी है, एक हाई लेवल की कंपनी है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रही है और इसकी वजह से सरकार का PLI पार्ट 2 स्कीम का पूरा फायदा इसको मिल रहा है और इसकी वजह से इनके कारोबार में वृद्धि हो रही है। साथ में वो पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे अपने लग्जरी शोरूम की पूरी श्रृंखला खड़ी कर रहे हैं, बहुत कारोबार को बढ़ा रहे लगदा। और इसके लिए उन्होंने फंड रेजिंग भी की 1,100 करोड़ की और कारोबार में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, साथ में अपने कारोबार को भी बढ़ा रहे। पिछले दिनों उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि वो सर्फ का एक नया प्रोडक्शन शुरू कर रहे, तो कंपनी कारोबार बढ़ा रही है अपनी और इस वजह से लग रहा है कि आने वाले समय का डेफिनेटली मल्टीबैगर स्टॉक है। इसमें निवेश बनाए रखें, ये आपको मालामाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।